नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमचंद वर्मा है और आप सबके कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम और हैकिंग के बारे में बात करेंगे कि जैसे हैकिंग किस प्रकार करें या हैकिंग से सुरक्षा और रक्षा के बारे में और बात करते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है आपको ये सब के बारे में सभी जानकारी देते हैं, हैकिंग के बारे में भी, सुरक्षा के बारे में भी, सोशल मीडिया के बारे में भी और कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी वीडियोज़ के बारे में आपको बताएगा। तो हम बात करते हैं इसमें हैकिंग के बारे में, किसी भी सर्वर के हैकिंग के बारे में। इसमें हम केवल बेसिक जान रहे हैं, सर्वर के केवल बेसिक हैकिंग के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल मैं एकदम बड़ी बड़ी बातें करूं और वो बड़ी बड़ी बातें ना कर सक वो करूं, ऐसा नहीं। हम ऐसे बात करेंगे जिसको हमको जानना चाहिए, आप कॉमन आदमी रहे या हैकर रहे, इसके बारे में जाने। तो देखिए, जब आप कोई भी हैकिंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपने कोई भी ईमेल इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के बाद आप कुछ कोड डाल दिए हैं, उसके बाद कोड डालने के बाद ऐसे क्रॉस स्क्रिप्ट कुछ डाल दिए हैं, देन उसके बाद उसको सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिए। जी हाँ, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिए, यहाँ तक तो आपने सही किया। लेकिन आप ये सब के बारे में जानना भूल गए कि सर्वर का लेयर होता है, कई लेयर होते हैं, अलग अलग सर्वर का अलग अलग लेयर होता है। तो देखिए, मान लीजिए तीन लेयर है, ठीक है। तो देखिए, तीन लेयर है तो क्या होता है। देखिए, पहला लेयर कोड को पढ़ेगा। कोड को पढ़ने का मतलब, कोड को पढ़ने का मतलब ये होगा कि जो वो लेयर में जो कोड दिया गया है कि उस कोड ना आए, मतलब जो ब्लॉक करके रखा गया है उस लेयर में, उसको वो ब्लॉक करेगा। जी हाँ, पहला यहाँ हो गया। अब जाएगा आपके सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में क्या होगा, जो बाकी डाटाज हैं, पहले अगर कोई भी डाटा वो होता, मतलब ब्लॉक है, तो आप रिक्वेस्ट वहीं पास ख़त्म। अब गया, अगर वो सही है तो सही है तो किस ब्राउज़र से, किस वेबसाइट से, किस जीमेल अटैच से, ये सब जानकारी उसमें जाएगा, क्योंकि वो चेक करेगा कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा लेयर क्या करेगा, तीसरा लेयर इन दोनों लेयर से जो मिला गया है उसके बारे में और डिटेल से जानेगा। डिटेल से जान के अपने सर्वर में उसके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि आपने इस सर्वर से डाला गया है, तो ये सर्वर का वेबसाइट के बारे में जानेगा कि वो कौन कौन सा लीगल जो एग्रीमेंट है वो हमारे एग्रीमेंट फॉलो करता है या नहीं करता है, वो मान्य है या नहीं है। ये सब ऐसे लेयर होते हैं। उसके बाद पब्लिश होता है वो। हम कहते हैं कि हम हैकिंग कर दी, कुछ कोड डाल दी, फ्रॉड से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सभी देखिए, गूगल है या कुछ भी है, कोई भी सर्वर दे, वो सुरक्षा की दृष्टि दोनों प्रोवाइड करता है। देखिए, आप हम बोलते हैं कि हैकर बहुत है, हमारा हैक कर दिया, गलत। हैकर ने आप बहुत अच्छे से किया तो हैक कर दिया, क्योंकि उसको किसी भी वेबसाइट सर्वर को हैक करने के बाद आपको किया है, डायरेक्ट आपको हैक नहीं कर दिया, क्योंकि आपको कैसे हैक करेगा, क्योंकि हम तो सर्वर से जुड़े हैं। तो पहले क्या है, वो उसको हमको कनेक्ट होते तक सर्वर कैसे आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा हैकिंग सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट आपको क्लाइंट से भी ऐसे कर देता है, लेकिन पहले ऐसे क्या होता है, लीगल रूप से पहले सर्वर से करना पड़ता है। तो सर्वर को जब हैक करोगे, तो सर्वर कोई भी हैकर हैक किया तो सर्वर भी तो उस पर अटैक करेगा, मतलब वहाँ के जो हैकर हैं, जो प्रोग्रामिंग बनाया तो हैक करने के लिए उनको भी बनाया, क्योंकि जो उनको अटैक करेगा तो उन पर वो उल्टा अटैक कर देता है। तो उल्टा अटैक करके उसका जो जीमेल है या कुछ भी है जिसके माध्यम से वो सर्वर से जुड़ जाता है, तो उसको खुद ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या हुआ, सर्वर से नहीं जुड़ पाता, तो उसका इंटरनेट नहीं चलता या हैक नहीं कर पाता। तो देखिए, सुरक्षा हमको वो भी देता है, तो ऐसा नहीं कि आप इतना भी वो ना रहे कि हैक हो जाएगा। सब लोग कहते हैं हैकर है, ये हैक कर देगा, वो हैकर, तो ऐसा नहीं है। सभी हैकर्स हैक नहीं कर सकते, सब ये सब के बारे में जानना जरूरी होता है। आप जैसे आपको आपके जीमेल को हैक करना है, तो आपके जीमेल के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। आप यहाँ पे हैं, ऐसा वैसा हुआ कुछ है होता है जिसके बारे में जानना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट बैठ गया और हैक कर दूंगा बोले, ऐसा हैक नहीं होता, कोई भी हैकर हो, ठीक है। तो ये सबको जरूर जाने कि कितना लेयर है सर्वर के, तो पहले आप सर्वर के लेयर के बारे में जाने, क्योंकि हैकिंग करना है तो पहले सर्वर से, मतलब जो है वो है उसे कनेक्ट रहे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहे कि कौन से सर्वर में कितना सिक्योरिटी है, कितना वो है, उसके बाद उस सर्वर से कौन कौन से डोमेन है या क्या चीज़ है उसके बारे में जाने। उससे ये क्या है ना, आपको सुविधा होगा। जैसे आपको मेरे पास आना, जैसे देखिए मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे मेरा एक ब्लॉग है कंप्यूटर हैकिंग